हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी बेसन का चीला। बेसन का चीला बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च, हल्का सा धनिया, धनिया की पत्ती, 1 स्पून नमक, हल्का सा हल्दी और थोड़ा सा मैगी मसाला। उसके बाद हम यहाँ पे एक पतीला लेंगे। इस पतीले में हम बेसन डालेंगे जितना कि हमें बनाना होगा उस अनुसार। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसन ले लिया है 1 कटोरी और यहाँ पे कटे हुए टमाटर इसमें ऐड कर दूँगी। फिर मैं यहाँ पे इसमें धनिया की पत्ती, हरी मिर्च ऐड करूँगी और नमक, हल्दी, मैगी मसाला। मैगी मसाला मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाए। और इसमें मैं पानी डाल करके उसे मिक्स कर लेती हूँ। नवरात्रि का टाइम है इसलिए मैंने इसमें लहसुन और प्याज नहीं डाला है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसका घोल जो है ज़्यादा पतला नहीं है, अभी इसका घोल गाढ़ा है इसलिए मैं इसमें और हल्का सा पानी ऐड करूँगी। और उसके बाद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने हल्का पानी डाल के इसके घोल को और पतला कर लिया है। फाइनली मैंने इसका घोल तैयार कर लिया है। ये देखिए घोल ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है, इसका घोल ऐसा होना चाहिए। अब मैंने घोल तैयार कर लिया। अब मैं गैस पे तवा चढ़ा दूंगी और गैस को स्लो रखूंगी। गैस हम फास्ट रखेंगे तो तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये चिपकने लगेगा, इसलिए हम इसको स्लो करके रखेंगे। ये देखिए हमारा तवा हल्का हल्का गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें रिफाइंड डाल के पूरे तवे को फैला देती हूँ। जैसे मैंने रिफाइंड पूरे तवे पे फैला लिया है और अब मैं इसमें जो घोल मैंने बनाया है ये देखिए उसे ऐसे हल्के से डाल के फैला लेती हूँ। फिर देखिए मैंने इसे ऐसे फैला लिया है और 5 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ये देखिए 5 मिनट बीत चुके हैं और मैं अब इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे से तवे से नीचे से छुड़ाऊँगी, ऐसे हल्के हल्के से करके। ये देखिए ऐसे मैंने धीरे धीरे लगभग पूरा नीचे से इसे छुड़ा दिया। डायरेक्ट तेज करने से ये बीच से टूट जाता है। और ये देखिए इधर मैंने इसे पलट दिया, पलटने से पहले भी हल्का सा मैं तवे पे तेल लगा दी। ये देखिए इस ऊपर का कलर एक साइड ऐसे ही सुनहरा हो गया है, पूरा अच्छे से पक गया है, दूसरे साइड भी हम इसे ऐसे ही पकाएँगे। सो फाइनली गाइज ये देखिए हमारा बेसन का चीला बन के तैयार हो गया है। और हमारा बेसन का चीला आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप भी बेसन का चीला